झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी का दायरा दिनों दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। आज रविवार का दिन है और आज ईडी के दफ्तर में कई ऐसे चेहरों को बुलाया गया जो अब तक ईडी कार्यालय से दूर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नामचीन जो नाम है वो झामुमो के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि उनसे ईडी ने कई महत्वपूर्ण पूछताछ की है, कई जानकारियाँ दी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता मदन। मदन, आपको ये पता होगा कि रवि केजरीवाल पूर्व कोषाध्यक्ष के तौर पर उनको परिभाषित करना मुनासिब नहीं है। याद है कि 2021 के अक्टूबर में उन पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा और खुद घाटशिला के झामुमो विधायक है रामदास सोरेन, उन्होंने कहा कि उन्होंने पैसे का प्रलोभन दिया। अब इस जांच के दायरे में पहली बार उनकी एंट्री होती है। बिल्कुल, देखिए ये एक उल्टा हुआ रूप देखने के लिए मिला है। इस तरह से रवि केजरीवाल के हाल के दिनों में जो जेएमएम के तरफ से आरोप लगा, सिर्फ उनको कोषाध्यक्ष पद से हटाया गया, पूरी तरह से एक ये माना जा रहा था कि वो बीजेपी के आदमी हो गए हैं और बीजेपी के लिए काम करते हैं, क्योंकि रामदास सोरेन जो जेएमएम के विधायक थे उन्होंने जो थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा था कि पैसों का प्रलोभन बीजेपी के रवि केजरीवाल के माध्यम से किया गया है, यानी कि विधायक को खरीद फरोख्त करने के ये आरोप लगे थे। तो ऐसे में अब जब ईडी कार्यालय में रवि केजरीवाल को बुलाया गया है तो अब सीधे तौर पर ये जान लीजिए कि जेएमएम के नेता के जो एक सदस्य रहे थे, वो कोषाध्यक्ष रहे थे, तो अब दायरा जो है वहाँ तक पहुँच चुका है। और क्या पूछताछ हो रही है, क्योंकि पूजा सिंघल से अगर उनके तार जुड़े हुए हैं तो पैसे के लेन देन हुए हैं, अगर और भी कोई मामले हैं पहले के अगर कोई तार जुड़ रहे हैं, तो अब ईडी के पास क्या कुछ जानकारी आया है ये तो इसके लिए थोड़ा हम लोगों को इंतज़ार करना होगा। लेकिन जांच का दायरा कहां तक पहुंच चुका है इससे समझा जा सकता है कि कई और नाम जुड़ सकते हैं, जो कि पहले से भी संभावना जताई जा रही थी कि इस जांच के दायरे में कई सफ़ेदपोश भी लोग आ सकते हैं, कई अधिकारी आ सकते हैं, कई बिल्डर्स आ सकते हैं। पहले से जो आशंका थी वो बात अब सच साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखा कि 6 तारीख को ये पहला छापेमारी होती है पूजा सिंघल, और ये माना गया पहले मनरेगा घोटाले को लेकर छापेमारी, लेकिन जैसे जैसे ये छापेमारी का दायरा बढ़ते गया और लोगों को इससे संबंध में बुलाता गया, मुझे लगता है संभवतः ये पहला ऐसा मामला होगा जो रवि केजरीवाल ने बुलाया गया। अब ये कहीं झारखंड की मौत या आने वाली परेशानी का सबक बन सकता है। बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि जब ये आरोप लगा उन पर केजरीवाल जी पर जी। रवि केजरीवाल जेएमएम के पुराने कार्यकर्ता के तौर पर थे जी। एक जाना महना माना चेहरा था जेएमएम का, और कोषाध्यक्ष पद जो है कोई छोटा पद नहीं होता है, इसलिए रवि केजरीवाल जो एक तरह से बड़े जो शीर्ष नेता थे जेएमएम में उनमें से उनका नाम था, और कोई भी डिसीजन जो होता था उनमें उनकी भागीदारी भी होती थी, तो और मुख्यमंत्री के करीबी भी माने जाते थे। जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वो पार्टी में और मुख्यमंत्री के करीबी उनको माना जाता था। तो जब जेएमएम के नेता ही यानी विधायक ने ये मामला दर्ज करवाया कि रवि केजरीवाल के तरफ से ऑफर दिया जा रहा है, पैसों का प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप विधायक जो है बीजेपी की तरफ आ जाएंगे, तो अब जब बीजेपी की तरफ एक तरफ से ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी के आदमी हो गए, यानी कि रवि केजरीवाल, तो जब बीजेपी के आदमी हो गए और अब ये जो मामला अभी ईडी में चल रहा है पूजा सिंघल का, तो इस दरमियान जब उनका नाम आया है तो वो बीजेपी के नाम से नहीं बल्कि वो जेएमएम के जो नेता रहे हैं और उस समय जो उससे पहले के क्या लेन देन है या फिर क्या काम ऐसे हुए हैं जिसमें कि उनकी संलिप्तता है, इन तमाम चीज़ों को खंगालने के लिए और उन तथ्यों तक पहुँचने के लिए ईडी ने उन्हें बुलाया होगा, जो हमें जानकारी मिली है। अब क्या ये माना जाए कि जिस तरह से ईडी का जाँच का दायरा बढ़ा है तो जो क्या राजनीतिक गलियारों तक ये मामला पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, कभी इनडायरेक्टली कहा जा सकता है झामुमो इसकी जद सबसे पहले आएगा, तो क्या हम ये माने कि आने वाले दिनों में जो ये आशंका व्यक्त की जा रही है, प्रोफेसर पंडित ये कह रहे हैं कि झारखंड की सरकार जो है वो अस्थिरता की ओर बढ़ रही है, ये जाँच का दायरा क्या हमेशा माने बन सकते हैं? देखिए मामले जो हैं वो कई हो चुके हैं, अब फिलहाल ये कहा सीधे हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि जेएमएम पर इसका असर जाएगा। अगर संलिप्तता होगी जिस तरह से ईडी पूछताछ कर रही है और वेट एंड वॉच चल रहा है, क्योंकि लंबा एक प्रक्रिया चल रहा है, आप देखिए कि 5 दिन के रिमांड पर पूजा सिंघल है और 9 दिन हो जाएगा, यानी कि 5 दिन जो उनके सीए सुमन जी उनका खत्म हुआ, फिर 4 दिन के लिए मिला, तो अब
कल जो है दोनों को फिर से कोर्ट में पेशी करना होगा और फिर अगर रिमांड अवधि बढ़ानी होती है तो कोर्ट में पहले ले जाना होता है। कोर्ट जितना फिर रिमांड की अवधि बढ़ाएगी उस हिसाब से फिर इनकी पूछताछ के लिए, तो 9 दिनों का वक्त अगर पूछताछ के लिए लिया जाता है तो आप समझिए जो मामला कितना आगे बढ़ चुका है और कौन से ऐसे तथ्य हैं जिसको प्रूव करने में ईडी को इतना वक्त लग रहा है, डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने में इतना वक्त लग रहा है। तो अब इस जांच के और पूछताछ के समय से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि जो हाल के दिनों में कोर्ट में भी जो सेल कंपनियों के मामले में सुनवाई हुई, उसके बाद जो ईडी ने बात रखी है कि कई दस्तावेज जो हाल के दिनों में कार्रवाई हुई है उसमें हमें हाथ लगे हैं और उसको हम कोर्ट में जमा करना चाहते हैं, तो अब कोर्ट ने कहा है कि सीलबंद लिफाफे में उसे जमा करिए। अब 17 को फिर उस मामले में सुनवाई होनी है, तो अब जब इसी पूछताछ के दौरान ईडी ने वहां पर अपने जो मामला है उसको रख दिया है, जो डॉक्यूमेंट है उसको रख दिया अगर, और दोनों मामलों को जोड़ दिया गया, जो मुख्यमंत्री के खनिज पट्टा लीज मामले का मामला है और सेल कंपनी, तो अब दोनों मामले की सुनवाई होगी, तो इसका मतलब है कि तार जो है दोनों से जुड़ रहा है और तथ्य जो है जो ईडी के पास है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिससे वो प्रूव करेंगे वहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला आ रहा है। तो अब कोर्ट में क्या कुछ दस्तावेज रखे जाते हैं, कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ बातें आती है, तो अब जांच का दायरा काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि किस व्यक्ति का नाम इसमें जुड़ेगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि लंबी पूछताछ चली है। 9 दिनों के पूछताछ में काफ़ी कुछ कई बड़े नाम होंगे, क्योंकि जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि सीए पूजा सिंघल के लिए काम करते थे, पूजा सिंघल एक लंबे समय से यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में और कई बड़े लोगों से उनका सीधा संपर्क था, तो अब किससे कौन सा लेन देन हुआ, कौन से काम के लिए उन्होंने जो है पैसे इधर से उधर किए, ये तमाम बातों का पड़ताल जो है वो ईडी कर रहा है। अच्छा, ये हम ये मानते हैं कि जो सेंट्रल एजेंसियाँ होती हैं उनके पूछताछ करने का अपना फॉर्मेट है और बिना कोई पुख्ता आधार के, बिना कोई स्पेशल इनपुट के वो काम नहीं करते। ये माना जाए कि अभी तक पूछताछ कहीं भी रवि केजरीवाल इस जद में आए होंगे या उनका कहीं कहीं कनेक्शन जरूर जुड़ता हुआ नजर आएगा, यही वजह है कि बात के लिए ये सही है कि जब तक किसी व्यक्ति का नाम कहीं से नहीं आएगा उस व्यक्ति को चाहे वो सीबीआई क्यों ना हो, जब तक अगर संदेह ही क्यों ना हो और आधार जब है तो फिर उस आधार पर ही उनको तलब किया जाता है, क्योंकि ईडी में कोई मामूली पूछताछ नहीं है, ईडी जो है कोई मामूली कार्रवाई भी नहीं करता। तो जब इनपुट इनके पास सही थे तभी इतने बड़े रकम भी बरामद हुए थे और एक लंबे वक्त से ईडी इस लेकर के काम कर रहा था। तो अब जब 9 दिनों का पूछताछ है और तमाम जो लोग हैं, चाहे अभिषेक झा हो, पूजा सिंघल हो और उनके सीए हो और कई दिग्गज भी अब आ चुके हैं जिन पर पल्स अस्पताल के जमीन खरीद के लेकर के जो 3 करोड़ लेन देन की बात सामने आई थी, तो अब जब इतने लोगों से पूछताछ हो चुकी है और अब रवि केजरीवाल यहाँ पहुँचे हैं तो ज़रूर मामला आगे बढ़ा है, कनेक्शन जुड़ा है। फिलहाल क्या कुछ बातें कोर्ट में रखता है ईडी, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। बिल्कुल, आपने सुना जिस तरह से मदन ने बताया, और ख़ास बात यह है कि कल का दिन बेहद अहम है। कल पूजा सिंघल के रिमांड की अवधि भी समाप्त हो रही है, उनके जो सीए हैं सुमन कुमार उनकी रिमांड की अवधि है। निश्चित तौर पर ईडी चाहेगा कि उनको रिमांड पर और रखा जाए, उनसे पूछताछ की जाए, चूँकि जिस तरह से एक के बाद एक नाम जुड़े हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है रवि केजरीवाल का जुड़ा है। जहाँ तक मेरी समझ है वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि इस तमाम जाँच का जो दायरा है वह कहीं कई राजनीतिक दलों को अपनी जद में लेता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि आगे क्या रंग रूप लेता है उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है, लेकिन इस तरह की जो ईडी कार्रवाई कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त है, वो कहीं ना कहीं आधार के आधार पर कार्रवाई कर रहा है। यही वजह है कि एक के बाद एक लोगों समन करके बुलाया जा रहा है। हमें थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, हमारी कोशिश बस इतनी है कि जो भी बातें आप तक पहुँचे वो फैक्ट के आधार पर पहुँचे। कैमरा पर्सन के साथ राशि से न्यूज़ 22 को।